सिद्धार्थनगर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस हादसे में 24 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में 45 बच्चे सवार थे। बस के दुर्घटनाग्रस्त होते ही आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को बस से निकाला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना थाना उसका के खैरा गाँव की है। पुलिस के मुताबिक ज्ञानोदय स्कूल की बस मंगलवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार बस नियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। बच्चों के परिजनों का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि बच्चों ने कई बार पहले भी उनसे ड्राइवर को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि अगर ड्राइवर लापरवाही नहीं करता तो यह हादसा नहीं होता।